यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संत कबीर नगर क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के चुनावी जनसभा की। वे सिकरीगंज के भूमिधर इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी के कब्र पर फातिया पढ़ने जरूर पहुंच गए। एक दिन ऐसा आएगा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में आज पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है। जो सरकार 60 साल में काम नहीं कर पाई, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में उन्होंने करके दिखाया। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी लूट खसोट करके देश का रुपया खाया है, सब वसूल कर देश और देश की जनता को के हित में लाऊंगा। बताओ दोनों हाथ मिला के है कि नहीं है। सपा की सरकार का समय याद करो, उस समय क्या नारा रहता था। मैं विपक्ष में था, विधायक था, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उस समय हमें नारा लगाना पड़ता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही है कि नहीं सही है। सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, जिसकी जमीन खाली वही कब्जा कर लेते थे, नहीं कर लेते थे। ये पुलिस और प्रशासन के लोग मजबूर थे गुंडे अपराधी और माफिया की बात मानने के लिए, क्योंकि उस समय सुशासन का कमल नहीं खिला था, विकास का कमल नहीं खिला था, गरीब कल्याण का कमल नहीं खिला था, महिला सशक्तिकरण का कमल नहीं खिला था। जब आपने कमल खिला दिया, ये गुंडे मिलने